नमस्कार साथियों, SSGGS पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो भी मेरी वीडियो है, इन्हें आप अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें। आज हम पाठ पढ़ेंगे 10वीं क्लास की भूगोल का तीसरा पाठ है कृषि। कृषि के बारे में यदि बात करें तो हमारे भारत की लगभग 2/3 आबादी कृषि पर आधारित है। लगभग 66% लोग कृषि पर निर्भर है। ये एक प्राथमिक कार्य है, यानी ये प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है। इसमें खाद्यान्न उत्पादन होता है, सभी प्रकार की खाद्य फसलें एवं कच्चा माल। उद्योगों के लिए कच्चा माल इसमें कृषि के द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है और इनका निर्यात किया जाता है ताकि हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। कृषि के प्रकार। कृषि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि पहली कृषि का प्रकार है। ये प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, ये खेती जीविका निर्वाह के लिए यानी केवल अपने पेट भरने के लिए किसान करते हैं। इसका मतलब समझते हो कि वो जो किसान है छोटे स्तर पर करेंगे, उनके पास भूमि का छोटा टुकड़ा होता है। आदिम औजार, आदिम का मतलब है पुराने औजार, यानी वो परंपरागत जो औजार है उन्हीं औजारों से खेती करते हैं और ये एक परिवार मिलकर खेती करता है। इसमें कई दूर बाहर से मजदूर नहीं मंगाए जाते क्योंकि ये हमने बताया था जीविका निर्वाह कृषि है। ये मानसून पर निर्भर है, उनके पास सिंचाई के और साधन नहीं होते, केवल मानसून यानी बरसात पर ही उनकी खेती निर्भर होती है। मिट्टी कैसी है, पर्यावरण कैसा है, इसी पर उनके निर्भर होते हैं। वो कोई ना तो नई तकनीक का प्रयोग करते हैं और ना ही उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। इसी का एक प्रकार है कर्तन दहन कृषि। कर्तन दहन कृषि का मतलब कर्तन यानी काटना, दहन यानी जलाना। यानी एक भूखंड होता है, उस भूखंड को कई टुकड़ों में बांट देते हैं और एक टुकड़े में जैसे बहुत सारे पेड़ पौधे उग जाते हैं तो उसे जला देते हैं, काट कर जला देते हैं और उनकी जो राख है वो इसी में मिला देते हैं। और इस पे कृषि करते हैं तो वो जो राख होती है वह राख बड़ा ही उसका काम करती है, खाद्य का काम करती है और फसलें होती है। इसी प्रकार वो तीन भूखंडों को छोड़ेंगे, फिर अगली साल इस पे उगाएंगे, फिर ये तीनों छूट जाएंगे। इस प्रकार वो कहते हैं ना काटो और जलाओ, इस प्रणाली पर झूम खेती भी इसको कहते हैं। इसको मतलब झूम झूम के यानी बदल बदल के वो खेती करते हैं। असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में इस खेती को झूम खेती के नाम से जाना जाता है। ज़्यादातर आदिवासी लोग इस खेती को करते हैं। मणिपुर में पामलू के नाम से जानते हैं इसको। बस्तर और छत्तीसगढ़ और अंडमान में इसको दीपा के नाम से जाना जाता है। MP में इसको बेबर दहिया के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में पोडू या पेड़ा के नाम से जाना जाता है और उड़ीसा में इसका नाम है पामाडाबी, कोमान या बरीगा। पश्चिमी घाट में इसको कुमारी कहते हैं और दक्षिण पूर्व राजस्थान में इसको वालरे या वाल्टरे खेती के नाम से जाना जाता है। हिमालय क्षेत्र में इसको खिल कहते हैं और झारखंड में इसको कुरुबा। इसी प्रकार जो अन्य विदेश है, विदेश में भी इसे जैसे कि अमेरिका में मिल्पा कहते हैं, वेनेजुएला में कोनू को कहते हैं, ब्राजील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लदांग, वियतनाम में रे के नाम से इसको पुकारा जाता है। तो ये जो खेती है वो हर जगह होती है लेकिन ये छोटे स्तर पर होती है, ज़्यादातर इसको आदिवासी करते हैं। अब हम बात करें गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि वो कृषि है जिसमें बड़े स्तर पर ये कृषि होती है और जनसंख्या का दबाव होने के कारण इसमें बहुत ज़्यादा उत्पादन करने की मजबूरी होती है, बहुत ज़्यादा उत्पादन करना चाहते हैं किसान। ये श्रम गहन है, इसमें श्रम बहुत ज़्यादा लगता है, मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है इस खेती में और अधिक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, यानी अधिक जो केमिकल है उनका प्रयोग किया जाता है ताकि अधिक उत्पादन मिल सके। सिंचाई के भी इसमें अन्य अधिक तकनीक साधन होते हैं और सिंचाई का भी ज़्यादा प्रयोग होता है। कृषि भूमि पर दबाव। अब कृषि भूमि पर दबाव क्यों है, यानी खेती पर दबाव क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि ज़्यादातर भारत में किसान को विरासत में खेती मिली है। विरासत का मतलब है कि पिताजी की खेती बेटा कर रहा है, बेटे की खेती बेटा कर रहा है। तो जब ये खेती पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती जाएगी तो जोत का आकार, जोत का मतलब जो ज़मीन की जो माप है, अगर 10 हेक्टेयर है और 10 हेक्टेयर वाले के 5 बेटे थे तो सभी के 2-2 हेक्टेयर आए और इनके भी अगर 2-2 बेटे हैं तो 1-1 हेक्टेयर आया। तो तीसरी पीढ़ी में जो 10 हेक्टेयर भूमि थी वो 1 हेक्टेयर रह गई एक किसान के पास। इसलिए इसे कहते हैं जोत, जोत का आकार घट रहा है और अधिक उत्पादन चाहते हैं लोग। जोत का तो आकार घट रहा है और जनसंख्या बढ़ रही है, यानी उत्पादन हमें अधिक चाहिए, इसलिए कहते हैं कृषि भूमि पर दबाव बढ़ रहा है। वाणिज्य कृषि। वाणिज्य का मतलब जानते हो, कॉमर्शियल, व्यापारिक। ये कृषि वो है जो कॉमर्स के लिए मतलब व्यापार के लिए की जाती है। तो सीधी सी बात है, इसमें उत्पादन ज़्यादा और अच्छी क्वालिटी का चाहिए, चाहे ज़मीन पर किसी भी चीज़ का प्रयोग करके हमें उत्पादन प्राप्त करना है। यही कारण है कि हमारी जो कृषि है उसमें ये वाणिज्य कृषि के कारण उसका निम्नीकरण हो रहा है। क्यों?
आधुनिक निवेश होता है, इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं लोग। क्यों? इसमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारिक फसल प्राप्त करना चाहते हैं। HYV बीजों का प्रयोग किया जाता है, हाई यील्ड वेराइटी, उच्च क्वालिटी के बीजों का प्रयोग किया जाता है। रसायन यानी उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। कीटनाशक, फसल खराब ना हो इसलिए समय से कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। अधिक पैदावार प्राप्त हो इसके लिए जैसे हरियाणा और पंजाब में जैसे चावल की खेती है। रोपण कृषि, यह वो कृषि है जिसमें बीज बोया नहीं जाता, पेड़ को रोपा जाता है। जैसे आपके चाय है, कॉफ़ी है, रबड़ है, गन्ना है, केला है। ये एक गन्ना एक साल में रोप जाता है और फिर 3 साल तक लगातार वही गन्ना होता है, दोबारा उसको रोपने की आवश्यकता नहीं होती। ये लंबे चौड़े क्षेत्र में होती है, ये खेती लंबे चौड़े क्षेत्र में होती है और अधिक पूंजी की आवश्यकता इसमें होती है और अधिक श्रमिक की आवश्यकता होती है। बड़े बड़े बागान चाहिए इसके लिए और बड़े बड़े बहुत ज़्यादा श्रमिक चाहिए। कच्चे माल के रूप में प्राप्त होता है, उसे श्रमिक मिलकर और छाटते हैं या एक तरह से उसको उत्पादन उपभोग योग्य बनाते हैं। इसमें परिवहन संचार की आवश्यकता होती है कि जो बड़े बड़े फार्म होते हैं, बागान होते हैं, वहाँ से माल को दूसरी जगह यानी उत्पादन हो वो तैयार होता है माल उपभोक्ताओं के लिए, वहाँ पहुँचाने की आवश्यकता होती है। परिवहन और संचार इसमें जरूरी है। अब है शस्य प्रारूप। शस्य प्रारूप का मतलब है कि हमारी जो फसलें हैं वो कितने प्रकार की है, किस प्रकार की है, यानी फसल का प्रारूप, फसलें कौन कौन सी हमारे भारत देश में बोई जाती है। मुख्यतः तो 3 फसल होती है हमारे यहाँ, रबी, खरीफ और जायद। ये शस्य प्रारूप है। क्वेश्चन आता है कई बार CBSE में, शस्य प्रारूप क्या है, तो हम कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं, है क्या चीज़। शस्य प्रारूप का मतलब ये है, फसल का प्रारूप, हमारे यहाँ फसलें कितने प्रकार से हम ले सकते हैं, कौन कौन से महीने में ले सकते हैं। तो रबी, खरीफ और जायद। रबी की जो फसल है वो सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोई जाती है और अप्रैल जून के मध्य यानी गर्मियों में काटी जाती है। जैसे गेहूं, मटर, जौ, चना, सरसों, ये सब रबी की फसल है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, UP, इसमें ये फसल ज़्यादा होती है। मावठ मददगार होती है। मावठ क्या है? मावठ एक वर्षा है जो सर्दियों में होती है। ये कहाँ से होती है? ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, पश्चिमी भारत के पश्चिम की तरफ से आती है। पश्चिम विक्षोभ के कारण, चक्रवात के कारण एक ऐसा मौसम बनता है कि सर्दियों में वर्षा होती है। बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है रबी की फसल के लिए। और हरित क्रांति इसके लिए बड़ी मददगार साबित हुई। हरित क्रांति 1960 के दशक में हुई थी जिसमें रबी की फसलों पर ज़्यादा प्रयोग किया गया था, HIV बीजों का प्रयोग किया गया था। अगली है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल मानसून आने पर बोई जाती है, लगभग जून जुलाई में, और सितंबर अक्टूबर में इसको काटा जाता है। चावल, मक्का, ज्वार, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, बाजरा, तुर, अरहर की दाल, मूंग, उड़द, ये सब खरीफ की फसलें हैं। उड़ीसा में धान की 3 फसलें उगाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है धान की, ये कंपटीशन में खूब आता है कि धान की फसलें निम्न में से कौन सी नहीं है, 3 दे देगा और 4थी नहीं देगा, वो इसका आंसर होगा। आस, अमन और बोरो, ये 3 फसलें हैं जो उड़ीसा में धान की फसलें हैं। चावल असम और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, UP और बिहार में चावल बहुत ज़्यादा उगाया जाता है और वहाँ की मुख्य खाद्यान्न फसलें भी चावल ही है। जायद फसल क्या है? जायद का मतलब रबी और खरीफ के बीच में जो समय मिलता है उनको, लगभग 2 महीने 2.5 महीने का, यानी जो ग्रीष्म काल होता है उसमें तरबूज, खीरा, ककड़ी, खरबूज, सब्जियां और जानवरों के लिए चारा, इन चीज़ों का उत्पादन किया जाता है। ये जायद की फसल के दौरान होता है, यानी लगभग जो मानसून आने से पहले, मानसून आने के बाद तो खरीफ की फसल बोलेंगे, मानसून आने से पहले और ये जो रबी की फसल को काटने के बाद, यानी लगभग 1.5-2 महीने का टाइम मिलता है उसमें लोग जायद की फसल, नदियों किनारे ज़्यादातर ये होती है। अब बात करें हम फसलों की, तो चावल, चावल भारत का मुख्य भोजन है। चीन के बाद भारत का सेकंड स्थान है, पहला स्थान चीन का है चावल में। इसके लिए 25 डिग्री से ज़्यादा तापमान चाहिए और 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। इसके बाद जो गेहूं है वो हमारा सेकंड मुख्य भोजन है चावल के बाद, 150-175 वर्षा चाहिए। उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज के मैदान में बहुत ज़्यादा ये गेहूँ पाया जाता है, मतलब गेहूँ का उत्पादन होता है। और दक्खन में जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी वाले प्रदेशों में भी गेहूँ का उत्पादन होता है। अब हम बात करें मोटे अनाज की, तो मोटा अनाज में ज्वार, बाजरा, रागी, ये तीनों आते हैं। अब ज्वार क्या है? ज्वार हमें, हमारा जो भारत है वो थर्ड पे है, तीसरे स्थान पर है, और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ज्वार पैदा होता है। बाजरा राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है। रागी
गर्म प्रदेश की फसल है, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा ये उत्पादित होती है। रागी बड़ी पोषक है, इसमें लोहा, कैल्शियम और भूसी पाया जाता है जो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मक्का, मक्का खाद्यान्न फसलें हैं और ये चारे के रूप में, मक्का ही एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न यानी लोग खाते भी हैं इसको, मक्का का आटा, मक्का का दलिया, मक्का को भून के, और चारे के रूप में मक्का का जो कच्चा मक्का है उसको जानवर चारे के रूप में भी प्रयोग में लाते हैं। इसके लिए 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। बिहार में ये रबी की फसल है मक्का, वैसे तो खरीफ की फसल है मक्का, ये देखो मक्का वैसे तो खरीफ की फसल है लेकिन बिहार में ये रबी यानी रबी के मौसम में भी बोई जाती है। रबी का मतलब हो गया आपका सर्दियों में बोई जाती है और मई जून में काटी जाती है। दालें, भारत में सबसे बड़ा भारत उपभोक्ता भी है और उत्पादन करता भी है दालों का, यानी भारत में दालें उगाई भी सबसे ज़्यादा जाती है और खपत भी सबसे ज़्यादा होती है भारत में। कम नमी में ये होती है और इसे अन्य फसलों के आवर्तन में बोया जाता है। इसका मतलब है कि यदि ये पूरी फसल है तो बीच बीच में यहाँ दालों के पौधे लगाए जाते हैं। तो ये पार्ट फर्स्ट था, अगला है जो वीडियो पार्ट सेकंड में देखो आप, और इसको अंत तक देखा करो वीडियो को ताकि आपको ज़्यादातर समझ में आए, और सब्सक्राइब किया करो ताकि अगले वीडियो मेरा आपको प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।